Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 5 plants our best friend. कि जो plants होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे मित्र कैसे होते हैं. Students, जैसा कि आप जानते हो कि plants क्या होते हैं. Plants जो होते हैं जैसे mango, coconut, पीपल, बरगद, ये सब क्या होते हैं, ये प्लांट्स कहलाते हैं. और जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल है ये आपको पता है? नहीं पता? देखिए, प्लांट्स से हमें क्या मिलती है, मेडिसिंस मिलती है, पल्सेस मिलती है, सेरल्स मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. तो ये क्या हमारे प्लांट्स के बहुत सारे यूजेज हैं और इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं. अब देखिए, स्टार्ट करती हूँ मैं चैप्टर. द टीचर टुक द स्टूडेंट ऑफ हर क्लास टू ए नियर बाई पार्क. जो टीचर है एक पास के पार्क में अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाती है पार्क के अंदर. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू सी सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जो बच्चे हैं बहुत तरह तरह के पौधों को देख करके बहुत उत्साहित होते हैं. दे ऑल वॉन्टेड टू नो वाट दोज डिफरेंट प्लांट्स वर कॉल्ड. और वो सभी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग है, वो किस प्रकार के प्लांट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है. द टीचर एक्सप्लेन दैट प्लांट्स आर और डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. और टीचर ने प्लांट्स के बारे में जो अलग अलग शेप्स के और साइजेस के थे उनके बारे में समझाना शुरू किया कि दे हैव वेरिड लाइफ स्पेंस, कि ये अलग अलग तरह के होते हैं. नेम एनी फोर प्लांट्स दैट यू शी इन योर सराउंडिंग. ऐसे फोर प्लांट्स के आपको नाम बताने हैं जो आपके घर के आसपास हो या आपने देखे हो. जैसे पीपल हो गया, बैनियान हो गया, नीम है, कोकोनट है, मैंगो है. तो ये सब क्या है? प्लांट्स है. अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस. सम ऑफ देम आर वेरी टॉल एंड बिग व्हाइल सम आर वेरी वीक एंड लो लाइंग. हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे चारों ओर उगते रहते हैं. उनमें से कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं और छोटे होते हैं. ट्रीज, नंबर वन, ट्रीज होते हैं पेड़ जो कि बहुत कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. ट्रीज आर वेरी टॉल एंड स्ट्रांग. जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े और स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं. दे ग्रो हाई अबाउ द ग्राउंड. और वे जमीन से बहुत ऊंचे उगते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. उनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं. दे हैव ए हार्ड वुडी ट्रंक. और उनका जो तना है वो कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है और बहुत सारी लकड़ी वाला होता है, यानी कि वुडी वाला होता है. द थिक एंड हार्ड कवरिंग ऑन द ट्रंक इज कॉल्ड द बार्क ऑफ द ट्री. और जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसकी एक ट्रंक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं. वो बहुत ही थिक होता है, यानी कि बहुत ही कठोर होता है और हार्ड होता है. और जो ये तना होता है, ट्रंक होता है, उसके ऊपर एक क्या होती है, एक छाल होती है लकड़ी की, जिसे हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. स्टूडेंट्स, जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं. एग्जाम्पल आप देखेंगे, बैनियान, बरगद जिसको कहते हैं, मैंगो, आम, कोकोनट क्या होता है, नारियल, पीपल, ये क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये ट्रीज कहलाते हैं. नंबर टू है स्टूडेंट्स, श्रब्स. श्रब्स क्या होती है, झाड़ियाँ. श्रब्स क्या होती है, झाड़ियाँ. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. जो श्रब्स होती हैं वो पेड़ों की अपेक्षाकृत कैसी होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है. दे हैव हार्ड वुडी स्टैम्स. और उनका जो स्टैम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और वुडी वाला होता है. बट दे आर थिन, लेकिन वे पतली होती है. द ब्रांचेस ग्रो लो एंड नियर द ग्राउंड. और जो ब्रांचेस होती हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं, वो बहुत ही छोटी होती है और ज़मीन के आसपास ही उगती हैं. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. और वो कई वर्षों तक जीवित रहती हैं. रोज, हीना, कॉटन, बुगनविलिया आर सम ऑफ द श्रब्स. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रोज, हीना, मेहंदी को कहते हैं, कॉटन,
रुई को कहते हैं, कपास को कहते हैं, और जो बुगनविलिया है ये सब क्या होते हैं, हमारी श्रब्स कहलाते हैं, यानी कि झाड़ियाँ कहलाती हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए कि श्रब क्या होते हैं, ए श्रब विथ मैनी ब्रांचेस, जो श्रब्स होती है उसमें कई ब्रांचेस होती है, एंड डेंस, और इसकी जो ग्रोथ होती है, गहराई होती है, वो कैसी, वो क्या कहलाती है, बुश कहलाती है, यानी झाड़ी, क्या कहलाती है, झाड़ियाँ। देखो ये क्या बना हुआ है, ये रोज का प्लांट है, और ये क्या है, हीना, जिसको हम मेहंदी कहते हैं। अब हमारा आता है थर्ड, हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट प्लांट। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे और बहुत कमजोर प्लांट्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, और उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। दे सर्वाइव फॉर सम मंथ्स, और वे कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिंट पुदीना, कोरिंडर धनिया, तुलसी, और ये क्या होती है, हर्ब्स कहलाती हैं। आता है हमारा क्रीपर्स, कि क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स आर वेरी वीक प्लांट्स। जो क्रीपर्स होते हैं वो बहुत कमजोर प्लांट्स होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट एज दे हैव थिन वीक स्टेम्स, वे सीधे नहीं खड़े हो सकते, और बहुत ही कैसे होते हैं, बहुत ही पतले और बहुत ही कमजोर उनका स्टेम होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वे जमीन के सहारे सहारे उगते हैं। वाटरमेलन एंड पम्पकिन प्लांट्स आर सम ऑफ द क्रीपर। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, पम्पकिन जिसको हम लौकी भी कहते हैं, प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्रीपर्स कहलाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारा क्लाइंबर्स, कि क्लाइंबर्स क्या होता है। लाइक क्रीपर्स, क्लाइंबर्स आर आल्सो वीक प्लांट्स। क्रीपर्स की तरह ही जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी बहुत ही वीक प्लांट्स होते हैं। दे आर वीक फ्लैक्सीबल स्टेम नीड ए सपोर्ट टू ग्रो, और उनको उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक फ्लैक्सीबल स्टेम की आवश्यकता होती है। दे आर वीक फ्लैक्सीबल स्टेम, और उनका जो स्टेम होता है वो फ्लैक्सीबल होता है, यानी कि पतला सा होता है, वो इधर उधर मुड़ता रहता है, और उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दे क्लाइंब अप विद सपोर्ट ऑफ ए स्टिक, और उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्टिक हुआ, लकड़ी, वॉल, दीवार, और अनोदर ट्री या कोई दूसरा पेड़। मनी प्लांट, ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेलें, मनी प्लांट और पीज यानी कि मटर, ये सब क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।